हादसे को कम से कम अभी 10-12 दिन हो गए, लेकिन वो भुलाई से बोल रहा नहीं, वो बात ही खत्म नहीं हो रही। डर बैठी, जैसे हमको डर बैठी। रात को 3-3 बजे तक जागते हम लोग, सोते नहीं अंदर के अंदर, ऐसा कि बच्चे कब आते, कब हम लोग अंदर जाते, कब दरवाजा बंद होता है। एक दो जन होता है तो बात अलग है, पर एक साथ में इतना जन हुआ है, इसलिए सब जन थोड़ा डर में है। चलो डरने का एज क्यों है, अभी देखे सब लोग ने इतना लाश हो गया, कोई डरने डर के वजह से कोई बाहर नहीं निकलता। 9 बजे तक का कोई बच्चे नहीं घूमते, सब आते जाते डरते ना, इसके लिए लोगों ने 24 घंटे लाइट चालू किया। सब पड़ोसी नहीं बोला है क्या, बोलते चालू ही रखो, क्योंकि हम लोग सब लोग इधर जो रहते ना वो लोग डर जाते, इसके लिए वो लोग ने चालू रखने। मुंबई से 45 किलोमीटर दूर थाने के कासर वडबली गांव में 29 फरवरी की रोज सुबह तो हुई, लेकिन पूरे गांव में शमशान सा सन्नाटा फैला था। लोग दबी जुबान में बात कर रहे थे, और ये वो घर है जहां एक सिरफिरे शख्स ने 28 फरवरी की रात के अंधेरे में हैवानियत का ऐसा खेल खेला था जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई थी। दरअसल घर के इकलौते चिराग हसनैन अनवर वरेकर ने खुद अपने ही हाथों घर को कब्रिस्तान बना दिया था, और जब यहां से निकलने वाली लाशों की गिनती रुकी तो वो 1-2 नहीं बल्कि 15 पर खत्म हुई। एक शख्स, एक घर, एक रात और 15 लाशें। जिस किसी ने भी इस वारदात के बारे में सुना वो सन्न रह गया। आजाद हिंदुस्तान में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी घर में 15 लाशें एक साथ दिखी, और शायद ऐसा भी पहली बार हुआ होगा कि इन सभी को मौत के घाट उतारने वाला और कोई नहीं बल्कि इस घर का चिराग था। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि हसनैन वारेकर ने अपने घर के तमाम लोगों का कत्ल कर दिया, यहाँ तक कि अपनी 3 महीने की मासूम को भी नहीं बख्शा। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं संडे क्राइम टाइम। तनुजा जी, महंगाई बढ़ रही है, कम होनी चाहिए। आपके पैसे कितने हुए? 20। अच्छा, 20 रुपए। कितना महंगाई बढ़ रहा है? हसनैन, ओ मिया हसनैन। हाँ, अरे मी तुला 2 वेळा आवाज देतोय, तू कुठच्या धुनकी मध्ये चाललेस? कुठे चालला कुठे? जर दोस्त के पास काम में जरा जाके आते। 35 साल का हसनैन वरेकर परिवार का इकलौता लड़का था। अड़ोस पड़ोस के लोग उसे एक समझदार, शर्मीला और शांत स्वभाव का इंसान मानते थे। आ गया तुम्हारा शहजादा। अरे हाँ बेटा, आ गए तुम। बैठो 2 मिनट, बैठो, फ्रेश हो जाओ, तुमको मैं खाना परोसती हूँ। तेरे अब्बू को देख, काम। अरे जबीना, अपनी बच्ची के लिए तो कर रहा हूँ ना। वैसे जबीना, ये किस पे गई है? वो बतौर सीनियर अकाउंटेंट काम किया करता था। अरे सुनिया, और रजे का क्या हो गया? अभी ठीक है वो। ठीक है क्या? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अभी ठीक है वो। उसके परिवार में 4 बहनें शबीना, मारिया, सूबिया और बैतूल थी, जिनमें से 3 की शादी हो चुकी थी, और 30 साल की बैतूल चूंकि दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर थी लिहाजा उसकी शादी नहीं हो पाई थी, और वो अपने अब्बू अनवर, अम्मी असगरी और भाई हसनैन के परिवार के साथ कासर वडवली के इसी घर में ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। हसनैन अपनी पत्नी जबीन और 2 बेटियों मुबित, शिरा और उमेरा के साथ घर की पहली मंजिल पर रहता था। आज तुला चांगली एक गोष्ट आलेली आहे, कारण का माहिती का, हे खुदा की रहमत है अपने बेटे के ऊपर। खुदा अल्लाह बड़ा बहुत मालिक होता है। हसनैन ने अपनी बड़ी बेटी के 5वें जन्मदिन के जश्न की दावत रखी थी, और इसके लिए उसने अपनी बहनों को उस रोज घर आने की जिद भी की थी। काम करते हैं क्या? सभी आपा को बुलाते हैं, उनके बेटों को भी बुलाते हैं। क्या बात है, हम दावत देंगे। वाह वाह, मैं सगाना दावत देना, सभी अरेंजमेंट मैं करता हूं। अरे बेटा, क्या तूने बात कही? बस अभी मैं सबको कॉल करता हूँ, सगाना बोलूंगी। हाँ बेटा, जल्दी सबको कॉल कर, अरेंजमेंट मैं करता हूं। हाँ,
शायद हसनैन पहले से ही तय कर चुका था कि वो एक साथ अपने पूरे खानदान का खात्मा कर देगा। बाहरी दुनिया की नजरों में हसनैन समझदार और शांत व्यक्ति था, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर वो राक्षस बन जाता था। वारदात की रात हसनैन ने सभी बहनों को ये कहकर खाने पर बुलाया कि लंबे अरसे से पूरे परिवार ने साथ वक्त नहीं बिताया है, इसलिए उसने घर पर दावत रखी है। बेटी के जन्मदिन की वजह से उस दिन खाना खुद हसनैन ने बनाया था। जन्मदिन के जश्न के बाद हसनैन ने घर में मौजूद लोगों के साथ खाना खाया। चूंकि घर में दावत थी, इसलिए खाना खाते खाते रात के 1:30 बज गए। अब्बू, मैं क्या सोचती हूँ, हम लोग सब इतने साल के बाद मिले हैं, तो कल संडे है, क्यों ना हम सब लोग मिलके पिकनिक जाए। हाँ हाँ, लेकिन हमको लेके कौन जाएगा पिकनिक? बच्चों का मामा, मामा लेके जाएगा। अरे हंसते नहीं ना, मैं सबको लेके जाता हूँ। खाना खाने के बाद घर के सभी लोग सोने चले गए। पुलिस के मुताबिक हसनैन, उसकी पत्नी जबीन, दोनों बेटियां और अपनी बहनों के दो बच्चों के साथ वो सोने के लिए घर की पहली मंजिल पर चला गया। घर के ग्राउंड फ्लोर पर उसकी चारों बहनें और अब्बू अम्मी सो रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी को पता नहीं था कि हसनैन ने उनके खाने में सोने की दवा मिला दी है। सोने से पहले वरेकर परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। अपने प्लान के मुताबिक हसनैन ने कत्लोगारत का सिलसिला अपने ही कमरे से शुरू किया और चाकू का पहला वार किसी और पर नहीं बल्कि अपनी बड़ी बेटी पर ही किया। इसके बाद उसने अपने 3 महीने की बेटी को ठीक उसी तरह से मारा जैसे कि उसने अपनी बड़ी बेटी को मारा था। इसके बाद नंबर आया उसकी बहनों के दोनों बेटों का। हसनैन ने उन दोनों मासूमों के गले भी वैसे रेत दिए जैसे उसने अपने बेटियों के रेते थे। बच्ची की चीखें सुनकर हसनैन की पत्नी उठ चुकी थी, लेकिन अपने शौहर का शैतानी चेहरा देखकर वो ग्राउंड फ्लोर पर बने किचन की तरफ भागी। लेकिन हसनैन पर तो शैतान सवार था, उसने किचन में अपनी पत्नी का भी ठीक उसी अंदाज में वही हश्र किया जैसा कि वो अब तक बच्चों का कर चुका था। हसनैन अभी तक अपनी पत्नी समेत 5 बच्चों का कत्ल कर चुका था। इसके बाद उसने ग्राउंड फ्लोर पर सो रही अपनी बहनों के कमरे की तरफ रुख किया। इसके बाद जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, हसनैन की हैवानियत और भी बढ़ती जा रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर आकर उसने शायद सबसे पहले अपने अब्बू का गला काटा। और उसके बाद हसनैन ने एक एक कर अपनी तीनों बहनों को भी खत्म कर दिया। इस दौरान उसकी बड़ी बहन की 16 साल की बेटी सादिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो हसनैन की गिरफ्त से छूट नहीं पाई और हसनैन ने उसका भी गला काटकर उसका कत्ल कर दिया। जरा सोचिए उस बहन के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने भाई को अपनी मां का कत्ल करते हुए देखा होगा। हसनैन जब मासूमों का गला रेत रहा था तो उस माँ उस बहन के दिल पर क्या गुजरी होगी, कैसे उस माँ ने अपने मासूम बच्चों को एक हैवान की हैवानियत का शिकार होते देखा।
घर में चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। घर की दीवार पर खून के छींटे इस वारदात की गवाही दे रहे थे। घर का फर्श, घर की सीढ़ियां, हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। घर की हर जगह खून से पूरी तरह से लथपथ थी। लेकिन एक बार भी हसनैन के हाथ इस कत्लोगारत को अंजाम देते हुए नहीं कांपे थे। और शायद इसीलिए इस कत्लोगारत की गवाही देने के लिए ही इस वारदात की इकलौती चश्मदीद उसकी बहन सुबीना जिंदा बची। मैंने अपने बगल में देखा तो हर तरफ खून ही खून था। मेरी बहनें खून से लथपथ थी। भाई हसनैन हाथों में कुर्बानी देने के लिए इस्तेमाल होने वाली तलवार लेकर घर में घूम रहा था। वो लाशों पर चल रहा था। उसके सिर पर सनक सवार थी। कुछ ही पलों के बाद वो मेरी माँ के पास खड़ा हो गया और उन पर वार करने लगा। मेरी माँ लगातार उससे भीख मांगती रही कि उसे छोड़ दे। माँ कह रही थी, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मत मार मुझे। मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे पाला है, प्लीज बेटा मुझे मत मार। लेकिन हसनैन को अपनी माँ पर भी रहम नहीं आया और उसने अपनी माँ का गला भी ठीक उसी अंदाज में काट दिया जैसा कि उसने घर में मौजूद बाकी लोगों का काटा था। इसी दौरान सुबिया ने हसनैन को धक्का दिया और उसकी गिरफ्त से किसी तरह से छूट कर भागी और ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में घुसकर उसने कमरा अंदर से लॉक कर लिया। कमरा अंदर से लॉक करने के बाद सुबिया ने मदद की गुहार लगाई। इतनी देर में घर से आ रही चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोस के लोग भी घर के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने ही उस कमरे के ग्रिल को तोड़कर सुबिया को बाहर निकाला जिस कमरे में वो छिपी हुई थी। ये मंजर जो मंजर था वो आपको बयान नहीं कर सकते। अभी उस घर के मंजर को देखने के बाद में यहाँ के गाँव के कम से कम नहीं तो 90% लोग रात में सो नहीं पा रहे। बच्चे सो नहीं पा रहे, बूढ़े सो नहीं पा रहे, जवान सो नहीं पा रहे। ऐसी खौफनाक वारदात के बारे में सुनकर घर के बाहर मौजूद लोगों में से कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो घर के अंदर जाए। आखिरकार 4:00 पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई। लेकिन पुलिस को खुद पता नहीं था कि अंदर का मंजर कितना खौफनाक होगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी इस तरह की कत्लोगारत के बारे में न तो सुना था और न ही देखा था। 14 और 1 जब ये सब चल रहा था तो उसने बाहर भागने की कोशिश की। वो दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा पहुंचने के बाद में नॉक को पकड़ा। उस समय इसने उसको पीछे खींच लिया और वार किया उसके ऊपर। तो वो एक साइड में डीप और दूसरे साइड में ऊपर ये टाइप से वार हुआ। लोग इस हत्याकांड की इकलौती चश्मदीद और जिंदा बची सुबिया की हालत को देखते हुए उसे फौरन अस्पताल ले गए। सुबिया के चेहरे के नीचे बाईं तरफ घाव था और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो इस हत्याकांड का सच बताने के लिए जिंदा बच गई। लेकिन उसने इस हत्याकांड के पीछे की जो कहानी सुनाई वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सुबिया के मुताबिक हसनैन पिछले कई सालों से अपनी दिमागी तौर पर कमजोर बहन का शारीरिक शोषण कर रहा था। हसनैन हमारी मानसिक तौर पर बीमार बहन का शारीरिक शोषण करता था। वो कई साल से ऐसा कर रहा था। उसने इसी साल फरवरी में ये बात हमें बताई थी और जब अम्मी ने उससे ये बात कही तो उसने कहा कि उसके खिलाफ बोलने पर हसनैन ने बहनों को जान से मारने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, सुबिया के मुताबिक हसनैन अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार चलाना चाहता था और इसी वजह से उसने अपने खानदान वालों से करीब 68 लाख रुपए का कर्ज भी ले रखा था। लेकिन उसका धंधा ठीक नहीं चल पा रहा था, इसलिए वो पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगा था। इसके अलावा पुलिस तफ्तीश में ये भी निकल कर आया है कि हसनैन ने अपने खानदान की पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। इसकी वजह से भी उसकी अपनी माँ से अक्सर बहस हुआ करती थी। लेकिन हसनैन ने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया, इसके बारे में शायद कोई नहीं जानता। एक बात और तय है कि हसनैन पहले से ही तय कर चुका था कि घर के तमाम लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद वो खुदकुशी कर लेगा। इस पूरी वारदात को अपने जहन से निकालते निकालते शायद लोगों को सालों लग जाएंगे। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे आपसे मुखातिब संडे क्राइम टाइम।